अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वकास रज़ाक ताज और आज मेरे साथ मौजूद हैं अमर ज़ुबैर। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम कराची के एक शहर जौहर में हैं, जहां पे हम लोगों से ये जानना चाहेंगे सर्दी आ गई है या सर्दी आ रही है, सर्दी लग रही है या सर्दी लग चुकी है। तो आइए लोगों के तबसरे जानते हैं, चलाएं। तो ये बताएं, सर्दी लग रही है या सर्दी है नहीं? अभी तो फिलहाल सर्दी नहीं है, अभी तो धूप निकली हुई है, रात में खैर सर्दी होती है। अच्छा, रात में सर्दी बढ़ती है। वैसे कराची की कोई फेमस जगह पता है जहाँ पे सबसे मज़े के खाने मिलते हो? यार बंस रोड सबसे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आपने क्या खाया वहाँ से? मैंने कबाब पराठा वहाँ पे। अगर कबाब पराठा बंस रोड खाने गए, क्या फेमस है वहाँ पे? वहाँ पे फेमस है। अच्छा, ताबिज यहाँ पे क्या अकेले शॉपिंग करना है, फैमिली के साथ है? मैं वाइफ के साथ आया। अच्छा, वाइफ के साथ आए, यानी इसका मतलब है जेब भर के लाएँ? जेब भर के नहीं, बस थोड़ी सी जेब भर के लाएँ। अच्छा, क्योंकि वाइफ के साथ आए, उम्मीद नहीं है कि खाली हाथ जाएंगे, तो ये अल्लाह की राह में जितने वाइफ पे खर्च कर सकते हैं करें, ताकि फ़ायदा हो। ऐसे ही दावे? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये तो सुन्नत है ना हमारी। अच्छा, ये ऐसी सुन्नत है जो हजूर के ज़माने में नहीं थी मगर हमारे ज़माने में ज़रूर है, तो सब पे लागू होती है कि ताबिश की तरह सब अपनी बीवियों पे पैसा खर्च करें। बेगम का ख्याल रखना चाहिए। कराची में दिल लग रहा है आपका? काफ़ी ज़्यादा है, पास से काफ़ी अच्छा इलाका है। अच्छा, तो कराची में कहाँ कहाँ घूमने गए? कराची में मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं, जैसे डालमिया हो गया, हॉक्स वे सिटी हो गया। अच्छा। बेसिकली बैरिया टाउन में हमारी रेजिडेंशियल एरिया है बैरिया। अच्छा, में अच्छा। तो वहाँ से कराची आने का अपना एक मज़ा है, क्योंकि काफ़ी सुनसान सा खामोश सा माहौल है वहाँ का। तो दूसरी बात यह कि कराची में तो इतनी ठंडी है जितनी एबटाबाद में ठंड पड़ती है। बाद में काफ़ी माइनस में, यहाँ पर हम गर्मी लग रही है, तभी हाफ स्लीव और शॉर्ट्स में हम रिलैक्स हैं इस तरह। तो आप अपने सारे दोस्तों को क्या कहेंगे, कराची कैसा शहर है? क्योंकि अमूमन सब लोग ये बता रहे होते हैं कि कराची का अच्छा नहीं है, कचरा है, गंदगी है, हालात ठीक नहीं है, आपको ऐसा कुछ लगा? नहीं नहीं, काफ़ी अच्छा है। जब से एनपी वाला जो इनका एरा चला है, उसमें काफ़ी थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन आई थी, सर्कमस्टांसेस अप्स एंड डाउन हुए, लेकिन उसके बाद क्योंकि नवाज शरीफ का जो आया है पीटीआई का, उसमें काफ़ी अच्छे रोड ज़रा बने हुए हैं, सारा कुछ। अब जैसे आप लोग एबटाबाद से अगर आप लोग आते हो, सकर तक सारा मोटरवे है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उससे आगे थोड़ा हैदराबाद का है, लेकिन वो ये है कि काफ़ी जम्स वगैरह की वजह से थोड़ा सेंड डाउन। अच्छा, ये आपके साथ आपकी वाइफ है? मैं अच्छा भाभी हैं। तो किसका आज ज़्यादा शॉपिंग किसने की है? ये इन दोनों, आप इधर आ जाएँ। आपका नाम? शाहनवाज। शाहनवाज जी आपकी वाइफ हैं, आप भी इधर आ जाएँ, बहन आप भी साथ आ जाएँ। तो आज क्या हुआ, जेबें भर के लाए थे? जी जी, जेबें तो भर के लाए। तो खाली हो गई है जेबें? खाली हो गई। तो अभी तो मैं दो चार बाजार इनको और बताने वाला हूँ कि कराची वहाँ जाएँ, वहाँ मज़ा आने वाला है। मैं तो रेगुलर आता रहता हूँ, ये फर्स्ट टाइम। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आई कराची? जी मैं फर्स्ट टाइम आई। तो कैसा लगा कराची? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो कहाँ कहाँ कराची की कोई अच्छी जगह लगी हो? सब चीज़ें जगह अच्छी हैं। शॉपिंग करने आया हूँ। शॉपिंग करने आया? इतनी ठंड में शॉपिंग में निकल गए तो आपको ठंड नहीं लगती? नहीं, ठंड नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कराची में ठंड होती कहाँ है। वाह, कराची में ठंड होती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं फिर, सर्दी किसे कहते हैं? सर्दी कभी कभी आ जाती है यहाँ पर। कहते किसे सर्दी? जो पहने हुए हमने शर्ट, जब आप पहने तो जैकेट है, जैकेट है ना, इसकी वजह से सर्दी आती है, जब भी जैकेट पहननी पड़ती है। यानी कि जब सर्दी आती है तो जैकेट पहननी पड़ती है। थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे लगती नहीं। आपको क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती क्यों नहीं लगती है? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही होती ना, जब बंदा काम ज़्यादा कर रहा होता है तो उसको ठंड नहीं लगती। अच्छा, जो ज़्यादा काम करते हैं उनको ठंड नहीं लगती, और जो बिल्कुल ही हड़ आराम होते हैं उनका क्या कहेंगे आप? वो कम्बल के अंदर होते हैं। वो कम्बल के अंदर होते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, वैसे बेसिकली सर्दी होती क्या है? सर्दी क्या होती है? सर्दी अब जैसे हड़ आराम कर रहा ना, ये उन लोगों के लिए होती है ताकि वो कम्बल के अंदर ही घुसे रहें, पता चले कि सर्दी है। नाजिन, यहाँ पे हमारे साथ बिलावल हुसैन है, जिनकी अभी अभी एक शादी हुई है और नहायत ही खुश हैं इस बात को लेके शादी हुई है। पूछते हैं कि एक से गुजारा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वाले सलाम। खुश है एक शादी से? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या प्लान है, दूसरी होगी? नहीं, खुश है इसमें ही। अच्छा, इसमें खुश है, डर की वजह से बोल रहे हैं या बाकी खुश है? नहीं, बस जिंदगी ऐसी गुजरनी चाहिए, बस उसके साथ आप खुश रहो। अच्छा, एक सवाल पूछना था आपसे, जवाब देंगे? कौन सा? ये बताएं, मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया? अंडा। मुर्गी पहले आती है फिर अंडा आता है। अच्छा, ईद का कहना है कि मुर्गी पहले आई है फिर अंडा आया है। अच्छा, ये बताएं, पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारत का नाम बताएं, कराची की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ये नहीं पता मुझे। ये नहीं पता, कोई बात नहीं। ये थे हमारे मासूम शहरी जिनकी अभी अभी शादी हुई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैमरे में क्या खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया?
खर्चा नहीं हो गया, बस रश ज़्यादा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, बस अभी ऐसे ही चल रहा है। अच्छा अभी ऐसे ही चल रहा है। अच्छा आप बताएं, शॉपिंग कराई है इन्होंने? जी बहुत ज़्यादा। अच्छा बहुत ज़्यादा करा दी, इनका कहना बहुत ज़्यादा करा दी, दो महीने की छुट्टी हो गई अब एक कोई शॉपिंग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा खर्चा करा दिया अब। अच्छा तो अब शॉपिंग नहीं होने वाली, अब खर्चा काफ़ी है। शॉपिंग होगी। अच्छा एक सवाल पूछिए, जवाब देंगे? पूछें। दुनिया में अंडा पहले आया मुर्गी? अंडा। अंडा पहले आया, तो फिर अंडे पे बैठा कौन? जिस तो फिर इसका मतलब मुर्गी पहले आई है। कैसा फील हो रहा है कि स्कूल खुलने वाले हैं? स्कूल मेरे तो कॉलेज हो गया, तो अब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है। वाओ इतनी सी है और अभी से यूनिवर्सिटी की बातें, तो क्या करती हैं आप? मैंने अभी इंटर कंप्लीट किया है। इंटर कंप्लीट किया है, अच्छा तो मुझे ये बताएं आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, तो टॉर्च को उर्दू में क्या कहते हैं? टॉर्च को लाइट। लाइट कहते हैं टॉर्च को उर्दू में? लाइट कहते हैं। ओके तो फिर मुझे ये बताएं कि सर्दी क्या होती है? सर्दी विंटर इंग्लिश। सर्दी विंटर होती है, तो विंटर क्या होती है? विंटर सर्दी होती है। थैंक यू सो मच। कोई ऐसा मैसेज है जो 2021 में आप देना चाहती हैं, कोई ऐसी दिल की बात जो 2021 में आप करना चाहती हैं? मैं तो ये मैसेज ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये जो संडे बाज़ार इतना बड़ा बाज़ार है, यहाँ पर इतनी बुरी तरह से चोरियाँ होती हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। अभी एक बच्ची ने कल नया ये मोबाइल ख़रीदा, वो ऐसा ज़ारो कदार रो रही है, यकीन करें मैं समझी कोई डेथ हो गई है, कुछ हो गया है। वो इतना उसकी माँ कह रही बेटा कोई बात नहीं है, मोबाइल ही है ना, वो रोई जा रही कह रही नहीं मम्मा कल ही तो लिया था, कल ही तो लिया था। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। दो फेमस खवातीन हैं जो सीमा सदफ़ की गपशप, जो पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में बहुत फेमस है और बातें करती हैं लोगों से, आज हम करते हैं इनसे गपशप। अस्सलाम वालेकुम सीमा। मुझे तुम्हारा नाम याद है और तुम्हें मेरा नाम नहीं याद, ठीक है? थोड़ा सा फंबल हो जाता है क्योंकि ये उधर चली गई। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आप सुनाए, कैसा लग रहा है? शॉपिंग करने आई हुई है? ओवरऑल हम देखने आए थे कि कैसा था, कि हम भी यहाँ की कवरेज कर सके। अच्छा, इनके साथ इनकी भतीजी है नेहा। नेहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये असल में यहाँ पे नहीं रहती, इनसे पूछते हैं कराची का वेदर कैसा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो कनाडा से आई हूँ, तो वहाँ पे बहुत सर्दी हो रही है, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा यहाँ पे मज़ा आ रहा है, जैसे एनवायरनमेंट कनाडा में सुनते हैं कराची ऐसा कराची वैसा, ऐसा क्या दिखा कराची ऐसा या वैसा? नहीं मैं तो पूरी लाइफ वहाँ पे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जब आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। और स्पेशली इस तरह के बाज़ार में आना पसंद करती है, लाइक तारीख रोड या लकी वन से ज़्यादा ये कहती है मुझे इस तरह के बाज़ार ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं ना, क्योंकि इनमें मिक्स चीज़ें होती हैं और सारी ऐसी होती हैं कि मतलब लो वो होता है, तो मुझे अच्छा लगता है इधर ना आना, भले मैं कुछ बाय करूं या ना करूं, मगर मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। वकास ये हमें कह रही थी कि हमें बुध बाज़ार आप लोग यहाँ संडे मार्केट सब होता है, तो आप हमें लेकर चले ना। नहीं तो अच्छी बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। अभी एबटाबाद से एक फैमिली आई हुई थी, उनको बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे कराची में घूम के, तो मैं वही कहना चाहूँगा कि कराची की सर्दी तो आपने देख ली, यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमने गई, कहाँ कहाँ लेके गई इनको? इनको नहीं अभी 1 वीक हुआ है, अभी 1 वीक होगा, 2 हफ्ते बाद मैं मिलूंगा। अभी आप कहेंगे 2 ही वीक हुए तभी कहीं लेके नहीं गए। भाई इनसे लाजमी आपने खूबसूरत जगहों पे जाना है, बहरिया टाउन जाना है, हॉक्स बे जाना है, सी साइड जाना है, दो दरिया जाना है। मैं आपको बताऊं एक बार, आपको मैं वो कर रही हूं बीच में कि ये आती रहती हैं, ये हर एयरली आती हैं, एयरली इनको पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है, या दुबई या और जगह जाने से कहती है नहीं मुझे पाकिस्तान, एक तो रिलेटिव यहाँ पे सारे हैं इनके, दैनीय कि यहाँ पे आना ज़्यादा इनको अच्छा लगता है। तो बस इसका मतलब आपको कराची की सारी प्लेस पता है ना जहाँ इनको घुमाना है। नेहा बहुत खर्चा कराना है इन दोनों को। चुप कर पगले रुलाएगा। तो कोई बात नहीं, उधार कर लेंगे, मसला नहीं, कहीं भी अब मसला उधार कर लिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद इस मामले में उधार में। भाई इनको छोड़ना नहीं है आप दोनों ने। अच्छा एक सवाल पूछना है आपसे, तीनों ने जवाब देना है, बताएं अंडा पहले आया मुर्गी? मुर्गी। आप बताएं अंडा पहले आया मुर्गी? मुर्गी। मुर्गी पहले आई है? अच्छा अंडा आया है। अंडा आया है, तो फिर अंडे पे बैठा कौन? अंडे पे कौन बैठा फिर, अगर अंडा पहले आया है तो मुर्गी बैठी? तो आप बताएं फिर, अगर फिर अंडे पे बैठा कौन अगर अंडा पहले आया, क्योंकि लेकिन नेहा को भी पता, नेहा ने इनकी कॉपी की, मैंने इनकी कॉपी की। अच्छा ये जो मुश्किल सवाल कर दिया हमने मासूम बच्ची से, थोड़ा हल्का हल्का सवाल करें। कोई बात नहीं, बहुत मजा आया, इन तीनों सदा और सीमा हमारे साथ ही, उनकी भतीजी इनके साथ ही नेहा, इनसे बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। एक मिनट लास्ट में कि प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर सीमा और सदफ की गपशप। ओके अल्लाह हाफिज़। अमान घूमने फिरने आए हैं? जी बिल्कुल। यानी इफ्तिताह हो गया शॉपिंग का? जी बिल्कुल हो गया इफ्तिताह। तो मुझे लग रहा सारी सलामी यही जाने वाली है आज। नहीं सलामी नहीं, बेसिकली ये हमारा प्रोग्राम था बाहर जाने का। अच्छा अमेरिका से मरी इस्लामाबाद? हाँ बिल्कुल, तो उसकी शॉपिंग के लिए आए हुए थे। अच्छा तो आपको तो पता है कि नई नई शादी होती है तो फिर शॉपिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो फिर तो आपकी सारी शॉपिंग हो गई है? नहीं नहीं मेरी अभी रह गई है। अच्छा अभी भी रह गई। भाई मैं बता रहे हैं 1.5 लाख की मैं शॉपिंग करा चुका हूँ और अभी भी शॉपिंग थोड़ी सी बाकी है।
तो बस 1.5 लाख की शॉपिंग की है? नहीं, अभी और रहती है ना थोड़ी। अमान आयतल कुर्सी पढ़ के आया करो भाई, ताकि पैसों की हिफाजत कर सको, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा हनीमून बहुत अच्छा गुजरे, बेस्ट ऑफ लक, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आयशा, और ये पूरी दुनिया की वो स्टूडेंट है जो बिना पेपर दिए पास हुई है। उनसे पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बिन आपसे पता, आपसे बहुत सारे लोग जलते हैं, पता है कौन लोग जलते हैं आपसे? नहीं पता? नहीं पता आपको? मैं बताऊं आपसे कौन जलता है? जो आपके जितने भी सीनियर हैं सब जलते हैं, यार ये वो स्टूडेंट है जो बिना पेपर दिए पास हो गए। तो कितनी खुशी होती है कि बिना पेपर दिए आप पास हो गई? बहुत। तो अभी क्या प्लान है? अभी पेपर देने, पेपर होने वाले हैं? हाँ होने वाले हैं, लेकिन वही ना, बिना दिए ही पास हो जाएंगे। अरे वाह, यानी कि इंटर के पेपर भी बिना दिए पास होने वाली है आयशा, ये तो क्लास हो गया। ये तो मुझे भी जेलसी हो रही, काश मैं अभी इंटर में होता, बिना पेपर दिए मैं भी पास हो जाता। तो अभी आगे क्या प्लान है आयशा? सर्दियाँ कैसी गुजरने वाली है? शॉपिंग करना है? किसके वालदा, अपने वालिद, किसके साथ आए हैं आप? सिस्टर के साथ आई हुई हूं। तो खर्चा किसका होने वाला है? सिस्टर का ही होगा। अच्छा, सिस्टर का खर्चा होने वाला है। मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार की आज शॉपिंग करने वाली है यहाँ से। ऐसे ही है। तो इन फ्यूचर अभी आप कहाँ जाने वाली हैं? आउट ऑफ सिटी का प्लान है? हाँ, मरी की साइड पे जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्यों, फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ जाएंगे। अच्छा, फ्रेंड्स वगैरह के साथ ये लोग प्लान कर रहे हैं और आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। इस्लामाबाद जा रहे हैं और मरी नहीं जाना? हाँ वही ना, मरी, इस्लामाबाद, स्वाद, सब मतलब साथ ही एग्जैक्ट करेंगे हम लोग। ओके, वेल डन। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ आयशा से, छोटा सा, बहुत सिंपल सा, आई होप ये जवाब दे जाए। मुझे सिर्फ ये बताएं, दुनिया में अंडा पहले आया मुर्गी? बहुत ईजी है, ट्राई करें। मुर्गी। भाई ये कह रही मुर्गी, आई होप कि सही हो जवाब हो। थैंक यू सो मच आयशा। जैसा कि आपने जाना लोगों के ओपिनियन सर्दी के हवाले से और उनका कैसी सर्दी की तैयारियां हैं, वो आपने जाना। होती क्या है सर्दी, पता चल रहा है 2021 में, ये भी हमारी ठंड से ठिठकती हुई आवाम। तो आप बताइए आपकी सर्दी कैसे गुजर रही है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे 99 न्यूज चैनल, क्योंकि जिंदगी के सब रंग 99 न्यूज के साथ। जिंदगी के सब रंग 99 न्यूज के साथ।